वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो मैं मिस कर रहा हूं कर्नाटक का जा रहा हूं संगे। तो यार इस वक्त टाइम हो रहा है 11 बज रहे हैं। तो आज मैंने सुबह सुबह व्लॉग स्टार्ट कर दिया और मैं 4:30 बजे या 5 बजे व्लॉग शूट करता हूं। लेकिन अब से मेरे सुबह सुबह के व्लॉग आया करेंगे। 11 बजे लेकर शाम तक मैं जो करता हूँ आप फुल मेरी डेली रूटीन देखा करेंगे। पहले जो मैं व्लॉग बनाता था आप मैं कुछ चीज़ें दिखाता था, लेकिन अब मैं आपको फुल शाम की रूटीन दिखाऊंगा। मैं दिन भर क्या करता हूँ, तो स्टार्ट करते हैं व्लॉग। ये मैं बैठा हूँ एक पिंक पे, ये हमने बेर के साथ बांध हुई। जो मैंने आपको बेर दिखाई थी पिछले व्लॉग में, अपने पिछले व्लॉग में मैंने आपको एक बेर दिखाई थी, तो उसी बेर के साथ बांधी हुई है। क्योंकि गर्मी है तो गर्मी में बच्चे पीक पर झूठे लेते हैं। तो मेरे पीछे समिया आ गई है, इधर आना समिया। तो आप देखिए समिया ने मेहंदी लगाई हुई है क्योंकि हम जा रहे हैं शादी पे। तो मैंने आपको कहा था कि हमारी शादी का प्लान बना तो मैं जाऊंगा। तो आज हमारा एक रस्म होती है हमारे विलेज की शादियों में, एक नाई आता है जिसे हम नाई, वो आके कार दे जाता है। तो आज उस आदमी ने आना है कार देने, तो हमने कपड़े वगैरह ले लिए हैं। तो हमारी करीबी शादी है, तो अनिका भी जा रही गाइस। अनिका ने देख सकते हैं आप, अनिका ने मेहंदी लगा के नहा लिया था। अनिका का वाल फुल रेड हो चुके हैं बाबे बुढ़े वाले। तो समिया ने भी नहाना है। तो मैं इस वक्त पीक पे झूला झूल रहा हूँ। हाँ यार, पीक पे झूला झूलने का मजा बड़ा है। क्या वजह देखिए, सैम भाई सैम मुँह धो के आ गया ब्लॉग के चक्कर में। गाइस जो मेरी वेडिंग की शॉपिंग थी वो मैंने कर ली है, वो मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ी देर बाद कि क्या क्या मैंने लिया है। तो मुझे कौन में ज़रूर बताइएगा कि कैसी है, अच्छा सामान मैंने लिया या कैसे लिया, मुझे कौन बता दीजिएगा। अपने मामू के कमरे में, तो मेरे मामू का एक दोस्त है, उसने ये सऊदी से चॉकलेट भेजी है। तो चॉकलेट खाएंगे भाई, चॉकलेट मेरी फेवरेट है। जब भी मैं मार्केट या कहीं बाजार जाता हूँ, जब मेरे चक्कर बेकरी में लगता है, तो मैं चॉकलेट वाली पेस्ट्री ज़रूर दूँ। तो ये देखिए चॉकलेट कैसी है, जैसे बजरी नहीं होती वैसे ही, लेकिन खाने में बड़ी टेस्टी है। मैंने एक बार खा के चेक किया, तो इसको वापस रख देते हैं सेफ के अंदर। गाइस जो वेडिंग है ना वो बिल्कुल फुल देसी माहौल होगा उसका। देहात में शादी है जंग में, तो मैं आपको दिखाऊंगा कैसे रस्में होती हैं, बिल्कुल ही देसी स्टाइल होगा। तो आज दो दिन हो गए, आसमान बादल हैं और मौसम काफ़ी खूबसूरत बना हुआ है। सूरज ये खड़ा बादलों के अंदर। तो मैं आ चुके साथ कमरे में। तो यार दिन भर मेरे पास काम करने के लिए इतना होते नहीं, जो मैं आपको कभी कहाँ ले जाऊँ कभी कहाँ, जो मैं दिन भर करता हूँ वो मैं आपको दिखाऊंगा। ऐसे फालतू की चीज़ें मैं आप वीडियो के लिए कर दूँ, कभी यहाँ जा रहा हूँ कभी वहाँ नहीं। ये हैदर आया खड़े, हैदर ने नहा लिए बस। तो जी मैं इस वक्त आ चुका हूँ अपने कमरे में। तो ये टाइम होता है मेरा 11 बजे से लेके 2 या 3 2 बजे तक। मैं कोई मूवी देखता हूँ, जो व्लॉग्स हैं व्लॉग देखता हूँ कंप्यूटर पे, और फिर 2-3 घंटे के लिए सोता हूँ। बाद में खाना खा के सोता हूँ दोपहर का। तो आपसे मिलता हूँ मूवी देखने के बाद। अगर आपने देखनी है तो देख लीजिए, यहाँ पे मैं देखूँगा मूवी कौन सी देखनी है। मैंने आपको दिखाता हूँ ये वाली साउथ की कोई मूवी मैंने डाउनलोड की है, पर इसका नाम क्या है। और ये वाली देखूँगा, हर रोज़ नई मूवी डाउनलोड करके देखता हूँ। आपको पता है काम करने के लिए कोई है नहीं मेरे पास, तो मूवीज देखते हैं। तो आपसे मिलता हूँ थोड़ी सी देर बाद, आपको मिलता हूँ खाने पे। इस वक्त टाइम हो चुका है 1 बज गए और लाइट भी चली गई है। दोपहर के खाने का टाइम हो गया, मैं होटल पे गया हुआ था और वहाँ से ले गया हूँ ये चने, और चने के साथ ये प्याज सलाद कह लें आप, और ये बर्फ़ अभी तक कूलर में नहीं डाली। तो ये इनके साथ तंदूर की रोटी, गर्मियों में तंदूर की रोटी चलती है और सर्दियों में तवी पे रोटी पकाई जाती है। दोपहर का खाना मैंने खा लिया और इसके बाद टाइम हो चुका है टी टाइम, चाय पी रहा हूँ। तो चाय मैं दिन में 3 बार पीता हूँ, एक सुबह को, दोपहर को और शाम को। चाय ना पियो ना यार, पर चक्कर आना शुरू हो जाए, जैसे चाय का नशा हो गया, जैसे नशे को किस चीज़ का नशा हो जाता है, मुझे चाय का नशा हो गया बहुत। चाय छूटती ही नहीं है, एक बार ट्राई की थी छोड़ने की लेकिन नाकाम रहे। तो भाई ये तो चाय तो हमारे खून में है ना। चाय पी के फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरी वेडिंग की शॉपिंग क्या क्या मैं लेके आया हूँ। तो मुझे कौन है आपने ज़रूर बताना है कि मैंने ये शॉपिंग अच्छी की है,
महंगी है या सस्ती है कैसी है जो भी है अपनी कीमती राय जरूर दीजिएगा, और साथ ही मुझे ये बताइएगा कि मैं वीडियोस में कौन कौन से चेंजेस करूँ जिससे आपको वीडियोस अच्छी लगे। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए दीजिए कमेंट करके। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना यार। 1000 सब्सक्राइबर हमने पूरे करने हैं, 1 महीने के अंदर टारगेट लिया है, कंप्लीट करवा देना गाइस। चाय गाइस पी ली है, अब जाते हैं कमरे में, कप दे जाते हैं अम्मी को, कप इधर ही रख देते हैं, कप यहाँ पे रख देते खाड़े के अंदर। तो यहाँ पे हमारा खाड़ा है जहाँ पे बर्तन वगैरह धोए जाते हैं, कपड़े बर्तन तो सारा कुछ इसी के अंदर धोया जाता है। तो कल हमने चावल पकाया तो उसका वो पतीला अब तक पड़ा है, क्योंकि चावल हैं उसके साथ छिपके होते पतीले के नीचे, तो उसको उतरने उतरते उतरते टाइम लग जाता है। तो यार चाय और खाना खाने के बाद और चाय पीने के बाद यार मुझे इतनी नींद आती है ना कि मुझसे खड़ा भी नहीं हो जा रहा। अब मुझे पता है कि मैं कैसे व्लॉग बना रहा हूँ, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मैंने सोना है। यार मैं तो आया था सोने, आगे सैन ने मुझे चैलेंज कर दिया फाइट के लिए, तो अब इसके मेरे से मैं फाइट होगी। तो आप देख लो ये बच्चा, ओए ओ देव गाइस, देखो यार गाइस सैन उसके अंदर लगा, तो मैं इसको दूंगा फाइनल अटैक। ओए मोटर बंद कर दियो यार, बाहर निकल जाना, मोटर बंद कर सैन ओए, अरे मोटर बंद कर, बहुत से गद्दा दिखा रे वो झूला, मुझे कौन बताएगा क्या कभी आपने बचपन में झूला झूला। मुझे तो यार बचपन हो चाहे जवानी हो चाहे जो हो, झूला झूलने का बड़ा मजा आता। तो सैन बड़ा